हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म 2024 को लेकर जो एक ऑफिशियल नोटिस आया, वो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम फॉर्म है वो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। और दोस्तों, एग्जाम फॉर्म नहीं भरवाने की वजह से अभी आपका सेशन है वो दोस्तों 2 माह से अधिक है वो लेट हो चुका है, जो आपको सामने ये न्यूज़ दिख रही है। दोस्तों, इसके अलावा एक और नोटिस है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोटा यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन अवश्य करें। वहाँ पर आपको कोटा यूनिवर्सिटी की हर न्यूज़ है वो दोस्तों सबसे पहले देखने को मिलेगी, और साथ ही वहाँ पर आपको जो भी एग्जाम फॉर्म के नोटिस वगैरह आते हैं वो भी दोस्तों आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे, इसलिए उसको जरूर ज्वाइन करें। तो आप देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म, एग्जाम करवाना तो दूर, परीक्षा फॉर्म तक नहीं भरवाया कोटा विश्वविद्यालय ने। पहले साल ही 2 माह लेट हुआ सेमेस्टर, दाव लगा है लाखों विद्यार्थियों का भविष्य। आप देख सकते हैं कोटा यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी की बेपटरी पर हुआ शैक्षणिक सत्र, और इसमें UGPG के सबसे ज्यादा छात्र वो प्रभावित हो चुके हैं। तो अभी तक आपके एग्जाम फॉर्म वो नहीं भरे गए हैं, सेशन बहुत लेट हो चुका है, ये दोस्तों न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। और इसमें ये देख सकते हैं कुल सचिव कोटा यूनिवर्सिटी के, इन्होंने क्या कहा है एग्जाम फॉर्म के बारे में, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। शैक्षणिक सत्र लेट होने के कई कारण है, राजस्थान विधानसभा चुनाव, आचार संहिता के कारण टेंडर नहीं हो पाए, नई शिक्षा नीति के तहत 40 से 45 कॉलेज के सिलेबस तैयार करने में समय लगा, और प्रत्येक BOS की 3 से 4 मीटिंग हुई, लेकिन एकेडमिक काउंसलिंग में सिलेबस का अनुमोदन करवाकर वेबसाइट तक पहुंचाने वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड करवाएं, वहीं कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया भी देरी तक चले हैं, जिसकी वजह से एग्जाम फॉर्म में दोस्तों देरी हुई है। अब एग्जाम फॉर्म वो बहुत जल्द दोस्तों आपके शुरू होंगे, और नई शिक्षा नीति की वजह से सिलेबस तैयार करने में समय लगा है, इसी सप्ताह में एग्जाम फॉर्म निकालेंगे और फरवरी माह में एग्जाम करवा दिए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र लेट नहीं होगा ऐसा इन्होंने बोला है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपके फरवरी में एग्जाम होंगे, हो सकता है आपके एग्जाम मार्च में चले जाए, क्योंकि आपके अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरवाए गए हैं। लेकिन एग्जाम कंट्रोलर कोटा यूनिवर्सिटी के प्रवीण भार्गव है, इन्होंने कहा है कि फरवरी लास्ट तक आपकी परीक्षाएं शुरू करवा देंगे, एग्जाम फॉर्म सब कुछ भरवा के। तो दोस्तों, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है दोस्तों 2 फरवरी को, और ये कोटा यूनिवर्सिटी का है, और इसमें लिखा गया है कि परीक्षा फॉर्म 2024 हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधी सूचना दी गई है। और इसमें लिखा गया है कि UGPG, यानी आप चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो या फिर नॉन कॉलेजेड, जो भी हो आप, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी आपकी क्लास है, थर्ड ईयर, आपको ABCID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABCID बहुत ही बनाना जरूरी है, इसके बिना आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाओगे। इसी सप्ताह आपके एग्जाम फॉर्म शुरू हो जाएंगे, और आप अपनी ABCID बनाकर तैयार रख लें। ABCID कैसे बनाते हैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और उसकी ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, अभी वहाँ से आप देख के आप अपनी ABCID बना सकते हैं। ABCID सभी विद्यार्थियों को बनाना जरूरी है, चाहे वो सेमेस्टर का हो, एनुअल का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, आपको जरूरी है बनानी। तो ABCID बना लें इस सप्ताह, नहीं आपके आज संडे है तो हो सकता है सोमवार, मंगलवार या बुधवार तक आपके एग्जाम फॉर्म वो शुरू हो जाएंगे। ABCID बनी हुई है तो आप एग्जाम फॉर्म भर पाओगे। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो चला लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।